pararla. मावा आलमंड पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए प्योर घी, फ्रेश मावा, आलमंड पाउडर, पाउडर शुगर एंड पराठा का डो। ये हमने व्हीट फ्लोर से रेडी किया है। हमें मावा आलमंड पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हमने एक बाउल में 100 ग्राम फ्रेश मावा लिया है। हमने जो खोया बोलते हैं हम, वो फ्रेश है। उसको हाथ से हल्का सा प्रेस करके सॉफ्ट कर लेना है। ये हमारी एक स्वीट तैयार होगी। अगर जिसे स्वीट के शौक ने कोई चाशनी वाली मिठाई नहीं खाते तो आप इंस्टेंट उन्हें ये मिठाई बना के पराठा, मीठा पराठा बना के खिला सकते हो। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनता है। अब इसमें हम 1/4 कप आलमंड पाउडर डालेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हो। 1/4 कप हम शुगर डालेंगे। आप ये शुगर फ्री भी बना सकते हो। शुगर फ्री पाउडर से भी डायबिटिक पेशेंट को बना के दे सकते हो। इसमें शुगर का लेवल कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी हमने 1/4 कप डाला है। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मावा आलमंड पराठा का स्टफिंग तैयार है। घी से ग्रीस कर लेते हैं। हमने ये जो पराठे का डो बनाया है वो हमने व्हीट फ्लोर से तैयार किया है। उसमें सिर्फ सॉल्ट और पानी डाल के हमने पराठा का डो बनाया। इसमें हमने मौन के लिए कुछ भी नहीं डाला है। हमने 1/2 कप जितना पराठा डो लिया, उसमें से हम 2 पराठे बनाएंगे। अब हम इसको वर्क करते हैं। अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। हमने जो मावा और आलमंड का स्टफिंग बनाया वो भरेंगे। अच्छे से भरना है। इसे हमें से प्रेस करते हुए पराठे का स्टफिंग का बॉल्स तैयार करना है। प्रेस कर देना है। अब हम इसका पराठा बेलेंगे। हम इसका पराठा बेल रहे हैं। पराठा हमें थोड़ा ठीक ही बेलना है। बहुत ही यम्मी पराठा लगता है जब अंदर से मावा मेल्ट होगा और आलमंड का टेस्ट उसके साथ में बहुत ही अच्छा लगता है। अब देख सकते हैं हमने पराठा बेल दिया है। अब हम इसे तवे पे सेलो फ्राई करेंगे। अभी हमने गैस पे एक तवा रखा है गरम, गैस पे हीट करने के लिए। अब हम ये जो पराठा बेला हुआ है हमने मावे का, वो हम डाल रहे हैं। ऐसे ही हम दूसरा पराठा भी प्रिपेयर कर लेते हैं। हम इसे टर्न कर रहे हैं। हमने इस जब पराठा का डो था उसमें हमने मोइन के लिए कुछ भी क्यों नहीं डाला, क्योंकि मावा होता है, मावा घी से ही बनता है, तो मावा डालने से वो अंदर पूरा घी हो जाता है। अगर हम मोइन डालेंगे या अंदर लोहे में डालते तो वो बाहर स्प्रेड होने का चांसेस रहते हैं। अच्छा, इसको गुलाबी रंग का सेकना है हमें। हम इसमें घी अप्लाई करेंगे। इसे हम उल्टा करेंगे। आप देख सकते हैं नीचे से भी अच्छा सिक रहा है। हमें इसको सेकना है। बहुत धीरे धीरे करना है, ज्यादा प्रेस नहीं देना है, नहीं तो मावा बाहर आ जाएगा। अब देखिए हमारा पराठा सिक गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लें। निकाल लिया पराठा प्लेट में। ऐसे ही हम दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं। दोनों पराठों पे हमें अच्छा घी लगाना है। पराठों को हम अच्छे सेंटर में से कट कर लेंगे। पराठों को हमने कट कर लिया है। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस पराठा लगता है ये। अब हम इसका सर्विंग करते हैं। तो रेडी सर्व करने के लिए मावा आलमंड पराठा। बहुत ही यम्मी स्वीट लगती है और हमने उसे रोस्टेड आलमंड के साथ में सर्व किया। उसका जवाब डाउनलोड करो सुबनाओ ऐप, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।